एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ योगी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल आज पूरा हो गया। यह सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में किन वादों पर खरी उतरी है, इन मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले सरकारों में प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। जब से योगी जी की सरकार बनी तब से प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। गुंडे माफिया या तो जेल में हैं या तो प्रदेश के बाहर हैं। व्यापारी भी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी के चलते दोबारा प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को बहुमत देकर जिताया है। आज 100 दिन पूरे होने पर हम योगी को बधाई देते हैं कि योगी की सरकार में हर गरीब मजदूर को सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। हर मैंने कहा ना, हर उपलब्धियाँ, चाहे वो गरीब कल्याण का हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, ये मैंने हर व्यवस्था, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि ये कहीं तो कहीं सरकार का, आप तो देख लीजिए कानून व्यवस्था, आज देख लीजिए जहाँ पर व्यापारी वर्ग चाहे आम आदमी रोड पे चलता था और खासकर होंडा मोटरसाइकिल लेके चलता था तो उसको ये पता नहीं चलता था कि वो घर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन आज माफिया गुंडी कहाँ है, आप देख लीजिए सरकार ने इतनी माफियाओं की जमीनों को, अवैध जमीनों को खाली कराई है। जो जिस हिसाब से इनकी सरकारों में, सपा बसपा की सरकारों में जो फल फूल रहे थे अपराधी, संरक्षण अपराधियों को मिला था, आज अपराधी त्राही त्राही कर रहे हैं और जेल के अंदर हैं, कहीं बाहर कोई आजाद करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है, हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में माहौल था पहले, यहाँ गुंडागर्दी, बदमाशियाँ, जमीन दलाल सारे लोग घूमते थे और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद सारे भूमाफिया अपने घरों में चले गए, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, स्वच्छता अभियान चल रहा है, सारी जगह आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, आजमगढ़ से हवाई जहाज उड़ने वाली है, सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जो उपलब्धि है मैं यही मानूंगा कि सारे गुंडे माफिया इस समय जेल में हैं या तो प्रदेश से बाहर हैं, जिसकी वजह से यूपी में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी। मैं जिला स्वास्थ्य संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी से। 100 दिन के कार्य में आप ये देख लीजिए, विश्वविद्यालय का काम जितने तेजी से चल रहा है, यहाँ शिक्षा का जो मामला है बहुत तेजी से चल रहा है और विद्यालय का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आपसे बता रहा हूँ कि और एक मामला है, आपसे बता रहा हूँ, सुन लीजिए। भूमाफिया जितने थे स्तर पर, आप देखे होंगे जगह जगह लोगों की जमीन के लोग अगर मीट करा के फर्जी हिसाब से कार्य करते, आप देखेंगे आज भू माफिया जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। भाई साहब, अपराध उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। जाएंगे ना, आपने अपनी विधानसभा के, अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ, अपने अपने राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।